एक और खबर बड़ी आती हुई उत्तर प्रदेश से ही, जहां पर आज कैबिनेट की बैठक में चार प्रस्तावों पर कुल मुहर लगाई गई है। आइए एक एक करके आपको बता देते हैं कौन है वो प्रस्ताव, जिसमें सबसे पहले 30% वेतन कटौती पर भी, विधायकों के वेतन में 30% कटौती पर भी मंजूरी हुई है। विधायक निधि एक साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, बड़ा फैसला। आपदा निधि को बढ़ाकर 1200 करोड़ किया गया है। उत्तर प्रदेश और इतनी बड़ी जनसंख्या इस एक राज्य में, जिसकी चुनौतियां भी उसी तरह की है। कुमार अभिषेक। बिल्कुल अंजना, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन वृद्धि पर काम किया, जिस तरीके से उनकी जो सांसद निधि थी उसको 2 साल के लिए स्थगित किया, ठीक उसी तर्ज पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आज कैबिनेट किया है। और बाकायदा कैबिनेट फैसले में ये तय किया कि अगले 2 साल तक जो विधायक हैं उनकी जो विधायक निधि है वो सस्पेंडेड रहेगी, साथ साथ इनके जो वेतन है वेतन में भी कटौती की जा रही है। हालांकि विधायकों के लिए में अगर आप बात करें तो इसे लेकर थोड़ी ये लोग थोड़े असंतुष्ट जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सरकार का ये फैसला आज कैबिनेट में हुआ है। और इसको, इस फैसले को आप पूरी तरीके से उसी तर्ज पर देखिए जिस तरीके से केंद्र सरकार ने सांसदों के, 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 के वेतन वेतन और उनके सांसद निधि के साथ किया है।